हेलो फ्रेंड्स, आइए क्वेश्चन नंबर 21, एक्सरसाइज 7.1, क्वेश्चन नंबर 21। ये क्वेश्चन क्या कहता है? इंक्रीज द प्राइस ऑफ ₹200 बाई 10% एंड देन डिक्रीज द न्यू प्राइस बाई 10%। इज द फाइनल प्राइस सेम एज द ओरिजिनल वन? दो केसेस है यहाँ पे। यहाँ पे देखिए दो केसेस है। सबसे पहला क्या है? केस वन। केस वन में क्या बोला है कि ये जो प्राइस है इसको 10% इंक्रीज करना है। तो प्राइस क्या था? 200 था। इंक्रीज करना है प्लस कितना इंक्रीज करना है? 10%। तो ये 10/100 इंटू 200। अच्छा, तो ये दो ज़ीरो, ये दो ज़ीरो। तो यहाँ से क्या मिला? 200 प्लस 10 इंटू 2 कितना? 20। तो ये 220। ये क्या है? ये न्यू प्राइस है, ये न्यू प्राइस है। केस टू, केस टू, यहां पे देखिए आपके पास न्यू प्राइस, न्यू प्राइस क्या है आपके पास? 220। अब इसको क्या करने बोला है? देन डिक्रीज द न्यू प्राइस बाय 10%। इस प्राइस को 10% से डिक्रीज करना है। तो ये 220 माइनस डिक्रीज करना है कितना? 10%। तो 10/100 इंटू 220। अच्छा, यहाँ से ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, इन दोनों को कैंसिल। अब क्या मिला? 220 माइनस 22। तो ये हो गया आपका 198। ये मिल गया। ये जो 198 मिला ये क्या है? ये है फाइनल प्राइस, ये है आपका फाइनल प्राइस। तो फाइनल प्राइस है 198। ठीक है, क्वेश्चन क्या था? इज द फाइनल प्राइस सेम एज द ओरिजिनल प्राइस? तो ओरिजिनल प्राइस कौन है? ये 200 है। तो क्या ये 200 के बराबर है? नहीं है। तो नो, नो मतलब ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल प्राइस इज नॉट इक्वल्स टू फाइनल प्राइस। बस ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 22, इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और काफी आसान क्वेश्चन भी है। इसको ध्यान से समझने की कोशिश करिए। ये क्वेश्चन क्या है? चांदनी परचेज सम पैरट्स, 20% फ्लू अवे, ठीक है, 5% डाइट। उसके बाद जो बच गए, जो बच गए उसके 45% को उसने बेच दिया और अभी उसके पास 33 पैरट्स बचे हुए हैं। 45% बेच दिया मतलब 55% जो रिमेनिंग था उसका 55% जो है वो 33 है। तो बताइए टोटल नंबर ऑफ पैरट्स जो चांदनी ने खरीदे थे वो कितने हैं? तो सबसे पहले जो निकालना है उसको हम लोग लेट कर लेते हैं। तो लेट द टोटल, लेट द टोटल नंबर ऑफ पैरट्स, नंबर्स ऑफ पैरट्स बी एक्स, ये ले लेते हैं। पहला चीज क्या बोला? 20% फ्लू अवे। देखिए 20% फ्लू अवे, अच्छा 5% डाइड, 5% डाइड। अब बताइए 20% उड़ गए, 5% मर गए, तो रिमेनिंग कितने रह गए? तो रिमेनिंग 20 कितने रह गए? 20 और 5, 25 तो खत्म हो गए, तो ये 75% रह गए। 75% किसके? x का। 75% x का, तो 75% ऑफ x को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 75/100 इंटू एक्स, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ को ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, 75x/100, ये रिमेनिंग है, ठीक है। इसमें से 45% को उसने बेच दिया, इसमें से 45% बेच दिया, तो बचा कितना? 55%। रिमेनिंग पैरट्स कितने बचे हुए? 55%। 55% ऑफ क्या? ये।
आपका 75x बाय 100, और ये जो बचा हुआ है इसको ही हम लोग बोलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये जो है आपका 55 बाय 100 इंटू 75x बाय 100 इक्वल्स टू कितना, 33। यही तो बचे हुए पैरट्स हैं, 33 पैरट्स, देखिए 33। बस इसको सॉल्व करके x निकालना है, इसमें से x निकालना है, तो ये 50, ये हमें x चाहिए, बाकी सबको उस तरफ कर दीजिए, ये 33 रहने दीजिए इंटू 55 बाई 100 है, इधर आएगा तो 100 बाई 55, अच्छा ये 75 बाई 100 है, इधर आएगा तो इसको 100 और 75 नीचे, बस अब इसको कैलकुलेशन ही तो करना है, कुछ नहीं है, देखिए एकदम आसान, 25 थ्री ज़ा 75, 25 फोर ज़ा 100, ये 3 है, 3 11 ज़ा 33, 11 फाइव ज़ा 55, 5 20 ज़ा 100, 24 ज़ा कितना 80, x क्या निकला 80, और x क्या था, यही तो टोटल नंबर ऑफ पैरट्स था, तो आंसर आपका ये 80 आ गया। आइए क्वेश्चन नंबर 23, ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, देखिए ए कैंडिडेट हु गेट 36% मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन फेल्स बाय 24 मार्क्स, ठीक है, एक दूसरा कैंडिडेट है जिसको 43% मार्क्स मिला और उसको पास मार्क्स से 18 मार्क्स ज़्यादा मिला, 43% मिलने से ये पास मार्क्स से 18 ज़्यादा है, तो फिर बताइए पास मार्क्स क्या है और मैक्सिमम मार्क्स क्या है। पहले मैं क्या करता हूँ, मैक्सिमम मार्क्स को लेट कर लेता हूँ, लेट द मैक्सिमम मार्क्स, लेट द मैक्सिमम मार्क्स बी एक्स, ये कर लेते हैं, ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, देखिए यहाँ भी वही केस वन केस टू करके करते हैं, केस वन, केस वन में क्या है, बच्चे को कितना मिला 36% मार्क्स मिला, 36% मार्क्स मिला, मतलब 36 बाय 100 इंटू एक्स, मैंने 36x बाय 100 मार्क्स मिला, फिर भी वो फेल हो गया 24 मार्क्स से, वो 24 मार्क्स से फेल हो गया, मतलब पास मार्क्स से 24 कम था, पास मार्क्स से 24 कम था, तो मैंने इसमें ऐड कर दिया 24, तो ये एक्चुअली क्या बन गया, ये पास मार्क्स बन गया, ये एक्चुअली क्या हो गया, पास मार्क्स हो गया ना, 36% उसको मार्क्स मिला था, फिर भी वो फेल हो रहा था 24 मार्क्स से, तो इसमें प्लस 24 करने से क्या होना चाहिए, पास मार्क्स होना चाहिए, ये एक कंडीशन है, ठीक है। अब देखिए केस टू, केस टू में क्या है, एक बच्चे को 43% मार्क्स मिला, 43% मार्क्स मिला, मतलब 43 बाय 100 इंटू एक्स, उसको पास मार्क्स से 18 ज़्यादा है, ये 43 जो है पास मार्क्स से 18 ज़्यादा है, 18 ज़्यादा है, तो मैंने इसको माइनस 18 कर दिया, तो ये क्या किसके बराबर हो गया, ये फिर भी पास मार्क्स के बराबर हो गया ना, देखिए ध्यान से देखिए, ये पास मार्क्स, ये भी पास मार्क्स ही हो गया, अब एक ही क्वेश्चन में, एक ही क्वेश्चन में ये भी पास मार्क्स है, ये भी पास मार्क्स है, तो क्या इन दोनों को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, दोनों बराबर होना चाहिए, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 36x बाय 100 प्लस 24 इज इक्वल्स टू क्या 43x बाय 100 माइनस 18, देखिए कितने इजीली क्वेश्चन फ्रेम हो गया, बस अब इसको सॉल्व ही तो करना है, इसको इधर उसको उधर करते हैं, तो क्या होगा ये 24, ये 24 था, माइनस 18 इधर आएगा तो प्लस 18, ये क्या है 43x बाय 100, ये प्लस है इधर भेज दीजिए 36x बाय 100, थोड़ा और सिंप्लीफाई करें 20 30 42, ये क्या है 42, 43 माइनस 36 तो 7x, तो यहाँ से क्या मिलेगा 7x बाई 100, x निकालना था क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा ये 4200 इक्वल्स टू क्या 7x, अच्छा फिर 4200 बाई 7 इज इक्वल्स टू x, 7 6 42, तो 600, x क्या मिला 600, x यदि 600 मिल गया तो मैक्सिमम मार्क्स आपको पता चल गया, मैक्सिमम मार्क्स कितना है 600, तो ये पार्ट तो हो गया, आगे क्या था पास मार्क्स भी निकालना था, पास मार्क्स, तो आप किसी एक कंडीशन में पुट कर दीजिए,
जैसे ये भी पास मार्क्स है, ये भी पास मार्क्स है, थोड़ा देर के लिए यदि हम लोग इसमें ही पुट कर दें, ये वैल्यू इसमें ही यदि पुट कर दें, ये पास मार्क्स है ना, इसमें पुट कर दीजिए, तो ये क्या है 43 एक्स, एक्स कितना है 600 600, अच्छा बाई कितना 100 माइनस 18, ये दो जीरो चला गया, 43 इंटू कितना 6, 63 से कितना 18, कैरी 1, 25, 258 माइनस 18 कितना 04, 240, ये जो 240 मिला ये क्या मिला, पास मार्क्स मिला, लेकिन क्या पास मार्क्स निकालना था, जी नहीं, परसेंटेज ऑफ पास मार्क्स आपको निकालना है, परसेंटेज ऑफ पास मार्क्स, तो परसेंटेज ऑफ पास मार्क्स मतलब परसेंट जो पास मार्क्स आया बाई मैक्सिमम मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स क्या था 600 इंटू 100, ये परसेंटेज में चेंज हो जाएगा, ये दो जीरो चला गया, 6 4 24 और ये 0, तो यहाँ से क्या मिला 40%, ये हुआ आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल्स आर 20 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर, एक रेक्टेंगल का साइड्स दिया हुआ है, मतलब लेंथ दिया हुआ है, ब्रेथ दिया हुआ है, आप एरिया निकाल सकते हो, एरिया निकाल सकते हो, तो एरिया इक्वल्स टू क्या है लेंथ इंटू ब्रेथ, अच्छा तो ये लेंथ क्या है आपका 20, ब्रेथ क्या है 15, तो 20 इंटू 15 कितना 300 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर, ये पहले हमने निकाल लिया, अच्छा आगे देखिए, इफ़ ईच साइड इज इंक्रीज बाई 20%, इफ ईच साइड इज इंक्रीज बाई 20%, तो न्यू लेंथ, पहले लेंथ क्या था 20, उसमें इंक्रीज कितना हुआ 20%, 20%, तो 20/100 इंटू 20, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये दो जीरो चला गया, 2 2 4 प्लस 20 कितना 24 सेंटीमीटर, ये न्यू लेंथ है। इसी तरह से देखिए न्यू ब्रेथ क्या होगा, ब्रेथ क्या था 15, इसमें भी क्या हुआ 20% इंक्रीज हुआ, तो 20/100 इंटू 15, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या होगा 20 5 100, 5 3 15, 15 प्लस 3 कितना 18 सेंटीमीटर, अब नया लेंथ ब्रेथ मिल गया, तो इससे आपको न्यू एरिया मिलेगा, न्यू एरिया तो वही है लेंथ इंटू ब्रेथ, अब नया लेंथ कितना है 24, ब्रेथ कितना है 18, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 18 देखिए 18 4 जा 72 का 2 कैरी कितना 7, 18 2 जा 36 और 7 43 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये नया एरिया है और पहले क्या था ये था, आपसे पूछा क्या है फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द एरिया, तो इंक्रीज इन द एरिया कितना है पहले वो निकाल लेते हैं, इंक्रीज इन एरिया हो गया आपका डिफरेंसेस 432 माइनस 300 विच इज इक्वल्स टू 132 सेंटीमीटर स्क्वायर, अब इसी को परसेंटेज में चेंज करना है, तो 132 बाय ओरिजिनल एरिया कितना था 300 इंटू 100, ये दो जीरो चला गया, 3 से काट दीजिए, 3 4 था कितना 12 और 1 3 4 था 12, मतलब 44% का इंक्रीज हुआ। इमरान गिव्स 1% ऑफ हिज मंथली इनकम टू हिज टू सन्स एज ए पॉकेट मनी, ठीक है, एल्डर सन गेट्स 80% ऑफ द टोटल अमाउंट गिवन एंड एल्डर सन स्पेंड्स 80% ऑफ हिज शेयर्स, यदि स्पेंड 80% कर लिया तो सेविंग क्या होगा 20%, इफ ही सेव्स ₹60 पर मंथ डिटरमाइन द इमरान्स मंथली इनकम, काफ़ी आसानी से हम लोग बहुत ही सिंपल स्टेप में करेंगे, आप प्लीज़ फॉलो करिए, क्या निकालना है हम लोग को इमरान मंथली इनकम, उसको पहले लेट कर लेते हैं, तो लेट इमरान
monthly income. Let Imran monthly income be rupees x. ये मान लिया हम लोगों ने, उन्होंने अपने बच्चों को दिया कितना, 1%. बच्चों को दिया कितना, 1%. तो मतलब अमाउंट गिवेन टू सन्स, बच्चों को क्या दिया, 1% दिया. 1% मतलब 1/100 किसका, मंथली सैलरी का, मतलब x/100 ये उन्होंने दिया टोटल दोनों बच्चों को दिया. इसमें से जो एल्डर सन था उसको कितना मिला, एल्डर सन, तो एल्डर सन शेयर उनको कितना मिला, 80% ऑफ द टोटल अमाउंट गिवेन. 80% मतलब 80/100 ऑफ द टोटल अमाउंट गिवेन. तो टोटल अमाउंट गिवेन क्या था, x/100, यही तो था. यहाँ से फिर देखिए क्या डिराइव हुआ, यहाँ से डिराइव हुआ 80x. आप इसको रिड्यूस भी कर सकते हो लेकिन मैं बोलता हूँ इसको ऐसे रहने दीजिए. 80x बाई नीचे क्या, 4 0, 1 2 3 4, रहने दीजिए, कोई बात नहीं, रहने दीजिए. तो ये एल्डरसन शेयर हो गया. आगे आइए, इस एल्डरसन ने क्या किया, स्पेंड कर दिया, खर्च कर दिया 80%. इस पैसे का 80% उसने खर्च कर दिया, तो सेव कितना किया, 20%. अच्छा, एल्डर सन सेविंग क्या होना चाहिए, 20%. तो 20/100, 20% किसका, इसका, 20% किसका, इसका, मतलब 80x/10,000. यहाँ तक तो एकदम क्लियर है. क्वेश्चन में फिर थोड़ा वापस आइए, इन्होंने क्या बोला, ऑफ द शेयर इफ ही सेव्स ₹60. सेविंग कितना है, ₹60 है. ये क्या है, ये भी तो सेविंग ही है. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये पूरा चीज क्या, 20/100 × 80x/10,000 इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, 60. बस इसी को सॉल्व करना है, इसी को सॉल्व करना है. अच्छा, अब यहाँ से थोड़ा देखिए कैंसिलिंग कैसे करें. यहाँ से ये ज़ीरो, ये जीरो, ये दो ज़ीरो ख़त्म. ये क्या है, 2 है. यहाँ से 5 और ये 3 0, ठीक है. 8 है तो इसको काटते हैं. 2 4 2 25 2 0, ठीक है. फिर 2 से काटते हैं, 4 से भी काटते हैं, 4 से काट देते, चलिए. 4 6 24, तो 10 रह गया. 4 2 8, 2 रह गया 20, तो 625. तो क्या रह गया, x by 625 is equals to 60. यही था ना, बस अब x क्या होगा, फिर x is equals to 60 × 625. तो 625 × 6 करें तो क्या आएगा, देखिए 5 6 30, 3 कैरी, 6 2 12 और 3 15, कैरी 1, 36 137. यहाँ पे एक जीरो हम लोगों ने नहीं लिया था तो ये जीरो ले लेते हैं. तो x मिल गया. x क्या था आपका, x ही तो आपका इसका मंथली इनकम था. क्वेश्चन में क्या निकालना था, डिटरमाइन मंथली इनकम, इमरान्स मंथली इनकम. तो क्या आया, 37,500. ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ और बाकी दूसरे एक्सरसाइज का वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें.